पप्पा बड़े राजा महाराजा सुरम्बर को देखने आए थे, पांडव ब्राह्मणों के भेष में खुद आ गए, ब्राह्मणों के भेष में। तो जिस बात धर्मराज मिश्र ब्राह्मणों के भेष में टाड़ी रखी हुई थी, यज्ञों को भी जनेऊ पड़ा हुआ था और सब राजा महाराजाओं की कुर्सी एक तरफ पड़ी थी और एक तरफ जो वैश्य लोग थे वैश्य बैठे हुए थे और एक किनारे पर ब्राह्मण बैठे हुए। तो पांडव जाकर के ब्राह्मणों में बैठे, जब ब्राह्मणों में बैठे तो सब राजा महाराजा उस वीर पे हार गए थे। तो दुर्योधन जो आया था द्रौपदी से विवाह भी चाहता था, पर दुर्योधन ने कही कि धनुष विद्या मोह पे आती नहीं है कर्ण, और इस विद्या को तू जानता है, तो भैया मीने मारती है तू और प्याप कर लेंगे, क्योंकि मित्र था उसका। जीवन में ध्यान रखना मित्रता जैसा, आपने सुना होगा जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो बढ़िया खेल है, एक लाख को दाव लगा दो पत्ता सुन दो पड़ेगा तो लगभग ही हो पच जाए उल्टो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो, और मित्रता जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार ना हो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो। दुनिया में अगर रिश्ता सबसे मजबूत रहा है तो वो मित्रता का है। प्रमाण तुम्हारे सामने क्या, जिस समय भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और लंका पर लक्ष्मण जी की शक्ति लगी और हनुमान जी कूटी लाए थे, तो भरत जी ने पांच बार हनुमान जी को अयोध्या पर करा लिया, तो हनुमान जी ने बता दिया था कि मेरे प्रभु राम संकट में और लक्ष्मण भैया की शक्ति रख गई है। तो आप रामायण को खोल के देखना, किसी भी रामायण को, क्या अयोध्या कोई कहो, क्या कोई जनकपुर के कहो, क्या कोई नरसाती कहो, राम का इतना बड़ा संकट था लंका में, न कोई रिश्तेदार गया न कोई नातेदार गया, और जिनत राम की यार ही जुड़ गई गैल में, जमानत दी है। सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, जमानत कहते किसे, आप देखो कोई कहो कि मुकदमा में जमानत कर लाए, हम तो नहीं जमानत कर लाए, तुम्हें जमानत को मातलम मार दे, अगर कहो तुमने मुलजिम गाय बह जाए, मुलजिम गाय बह जाए और वो अदालत में हाजिर नहीं हो, तो जो जमानत करके लाते हैं वो कागज में रकम भरी जाती है, रुपए लिखे जाते हैं उसमें, उतने रुपए जमानतदार को कोर्ट में जमा करने पड़े, अगर मुलजिम गायब हो गया तो जमानत ही होती है। ये थोड़ी है फर्द लगाया है, वैसे मुख्य लगाया है कि जमानत भर लाए, लेकिन तुलसीदास ने जमानत कितनी बढ़िया दी है, और दो जमानत दी है उसने अपने जीवन में, और कितनी मजबूत दी है। पहली जमानत कौन सी है, कछु बीचन राखा। अगर मित्रता करे तो दोनों के बीच में कोई भेद छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, वो अगर वो बात काउद ने छिपाई ली और खुली गई बस उसी दिन तरार पड़ जाएगी। रहिमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, और जोरे ते फिन्ना जुरे जुरे गांठ, बस ध्यान रखना मित्रता का रिश्ता यह है कि बीच में कोई बात छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। और दूसरा प्रमाण तुम्हें देखने को मिलेगा, अगर बच्चों ने इतिहास पढ़ा हो तो ये आगरा का जो लाल किला है, आगरा का जो लाल किला है, यहां अमर सिंह राठौर मारे गए थे इसी लाल किले पे। अमर सिंह राठौर की रानी का नाम था हाड़ी रानी, ये अबे की बात है थोड़े दिन पहले की। तो हाड़ी रानी को जिस समय विदा करा के ला रहे थे अमर सिंह, रेगिस्तान में होकर के आए थे, तो नरसाबाज पठान प्यास से मर रहा था जंगल में, प्यास लग रही थी,
तो उस अमर सिंह राठौर ने एक कटोरा पानी पिला दिया था नरसेबाज पठान, एक कटोरा पानी। तो उस पठान ने ये कह दिया, भैया आज मेरे प्राण बच गए पर एक कटोरा पानी मुझे जीवन में याद रहेगा, और अगर कल दिन जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, जाए एक कटोरा पानी का एहसान चुका दे। ये नरसेबाज पठान ने कहा था। और जिस समय उस मुगल बादशाह ने अमर सिंह राठौर को मरवा दिया था इस किले में, तो लाश रखी हुई थी, तो बादशाह ने कह दिया कि किसी ने अगर मेहतारी का दूध पिया हो तो इस लाश को उठा ले जाए यहां से। उनका भतीजा था राम सिंह, चाचा की लाश के बदले में घायल होकर के रह गया इस किले में। जब लाश रखी हुई थी, हारी रानी बेचैन थी, मेरे पति की लाश को कोई लाने वाला नहीं है। सोता बंधुओं, उस समय नरसेबाज पठान की याद आई। वो पठान उसे एक कटोरा पानी के पीछे आज इस लाल किले के बीच में संग्राम करता रहा। 21 घाव आए थे काया में, पर उस अमर सिंह राठौर की लाश को उठा करके बाहर रख दिया, और जिस समय लाश को बाहर पहुंचा दिया था उसी समय नरसेबाज पठान मारा गया। एक कटोरा पानी में मित्रता का रिश्ता यह होता है, सबसे बड़ा रिश्ता मजबूत। श्रोता बंधु, तो उस समय आज दुर्योधन इस विचार में था कि मीन को अगर कर्ण मार दे तो ब्याह कर ले। लेकिन श्रोता बंधु, जब सब राजा बलहीन हुए और तब कर्ण उठा था उस सभा में, और कर्ण जैसे वो धनुष उठाया मीन को मारने के लिए, पांचाली द्रौपदी ने रोक दिया। क्यों? वो इस बात को जानती थी कि कर्ण इतना बड़ा बलधारी है कि मीन को अगर मार दिया तो मुझे कर्ण के साथ विवाह करना होगा, और जो शर्त मेरे जाके ने रखवाई है वो रह जाएगा। तो उसने कह दिया कि कर्ण रुक जाओ, अगर तुम मीन को मार भी दोगे